अरमानी राय, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ नमकीन मुरमुरे, है ना। थोड़े स्पाइसी भी होंगे, थोड़े मीठे से और थोड़े नमकीन से। ये देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। जब भी कुछ अच्छा सा खाने को दिल चाहे तो घर में ही आप ये बना लें। ये देखिए मुरमुरे, जैसे पैकेट बाज़ार में मिल जाते हैं, किसी भी मार्ट से मिल जाते हैं, खुले हुए भी मिल जाते हैं। ये देखिए मैंने एक पैकेट लिया ये मुरमुरों का। आपको जितने बनाने आप उतने बना लें। ये तकरीबन होंगी दो प्यालियाँ। और जो जो इसमें चीज़ें डालेंगे, ये देखें, थोड़ी किशमिश है, थोड़ी मूँगफली है, मेरे पास छिलके उतरे हुए मूँगफली है, लेकिन कच्ची मूँगफली है, थोड़ा सा मेरे पास खोपरा है। अगर आपके पास छिलके वाली मूँगफली है तो आप वो भी ले सकते हैं। और जो इसमें हम डालेंगे मसाले जो स्पाइस के लिए, ये है मेरे पास कड़ी पत्ते। अगर आपको लहसुन का जायका अच्छा लगता है तो ये आप दो डाल लें लहसुन। नहीं अच्छा लगता तो भले आप लहसुन नहीं भी डालें इसमें। अगर लहसुन पाउडर है आपके पास तो लहसुन पाउडर डाल लें। ये एक चम्मच मैंने लिए चीनी भर के, आधा चम्मच है मेरे पास नमक, थोड़ी सी मैंने लिए हल्दी, आधा चम्मच है मेरे पास लाल मिर्च और आधा ही चम्मच मेरे पास है भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और ये थोड़ा सा थोड़ी सी है मेरे पास काली मिर्चें। चलो मैं कैसे बनाती हूँ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, अब मैंने रखी है उसके ऊपर एक कढ़ाई, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल। अब ये देखिए मैंने ये सब धो लिया है, ये मूँगफली भी मैंने धो ली है, किशमिश भी धो ली, और खोपरा भी मैंने बारीक बारीक काट के और देखें धो रखा है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये मूँगफली। अब मूँगफली को हम इसमें ऑयल के अंदर रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी मूँगफली जो है कच्ची है। अब इसको मैं अच्छा सा रोस्ट कर लेती हूँ। ये देखें मूँगफली में सिर्फ एक या दो मिनट लगे, देखिए कितनी अच्छी रोस्ट हो गई। अब इसको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ये साथ ही डाल देते हैं हम इसमें खोपरा। इसको भी ऐसे एक दफ़ा चला दें। ये थोड़े से किशमिश हैं, इनको भी ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ये धोए हुए हैं इसलिए आवाज़ आई है इसमें। बस इसको भी एक मिनट ऐसे चला के इसके अंदर अब मैं सबको बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास जो लहसुन है इसको ऐसे थोड़ा सा मैंने कद्दूकस कर लिया। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है वो इस्तेमाल करें, पर मुझे पसंद नहीं गार्लिक पाउडर, मैं ताज़ा थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा गार्लिक, ये डाल देंगे हम इसमें कड़ी पत्ते। अच्छा, ये देखें कड़ी पत्तों की इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई। अब ये डाल दूँगी इसमें मैं ये जो भी सारे हमारे मसाले थे, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी और नमक और चीनी भी डाली है। ये देखें माशाल्लाह, देखें सब अच्छे हो गए, खुशबू आना शुरू हो गई इसमें। अब ये डाल देंगे हम मुरमुरे। मुरमुरे जो हैं हमारे पहले से ही रोस्ट हैं, ये रोस्ट ही मिलते हैं बाज़ार से। इसको चाहे तो घर में भी मुरमुरों को बना सकते हैं। ये देखिए ये रोस्ट मिलते हैं हमें, तो इसको थोड़ा सा बस इसके अंदर एक दो मिनट और भून लेंगे। अच्छा, ये रेसिपी इतनी ईजी और मज़ेदार है, जब भी दिल चाहे मुरमुरे लेके रख लें आप घर में और बच्चों को ताज़ा ताज़ा बना के दें। 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है रेसिपी, घर के बने हुए होंगे साफ़ सुथरे, अच्छा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, सब चीज़ें जो होंगी अच्छी होंगी, तो ज़रूर बच्चों को अच्छी भी लगेंगी और उनकी सेहत भी सही रहेगी। ये देखें, देखिए तो अच्छा कलर आ गया। अब अगर आपको ज़्यादा इसको पीला करना है तो फिर आप इसमें भले थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल दें, फूड कलर जो होता है पीला कलर वो डाल दें। देखें इतना सा हम डाल देंगे इसमें फूड कलर, उसका कलर जो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। बस इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब ये जो हमारे पास थे ड्राई फ्रूट, ये मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ये देखें है ना बिल्कुल बाज़ार जैसी मज़ेदार से मुरमुरे हमारे। ये देखें, अब अगर आप चाहें इसमें थोड़े से टाटरी डाल लें, लेकिन टाटरी गला ख़राब कर देती है बच्चों का, तो चाहें तो बस ऐसे ही इस्तेमाल कर लें। अगर उसको थोड़ा सा खट्टापन देना है इसके अंदर मसालों के साथ, तो फिर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा लीमू का रस निचोड़ लें। ये देखें बीज निकाल के ये आधा लीमू का रस मैंने डाला है। अब इनको सबको इसमें अच्छा सा मिक्स कर देती हूँ। ये देखें ये अब ठंडे भी हो गए
और देखिए माशाल्लाह कितनी जल्दी और इतने मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हुई है। ये सब मैंने देखें डिश आउट कर लिए हैं। आप इसमें चाहें काजू और बादाम भी डाल सकते हैं, उनको भी आप भून लीजिए फिर इसमें डालें। अभी आप इसको रख के किसी एयर टाइट कंटेनर में तो काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।